हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे दोस्तों हर एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही मायने रखता है क्योंकि आपको पता होगा बिना सब्सक्राइबर का आपका वीडियो पे व्यूज नहीं आने वाला ना ही वीडियो पे लाइक्स आने वाले हैं और जिसकी वजह से आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होता है आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज़ करवाने के लिए आपके पास 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 थाउजेंड वर्च टाइम होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हो सकता है और जिसकी वजह से आपका वीडियो पे ऐड नहीं रन करेगा और ना ही आपका अर्निंग स्टार्ट होगा तो इसी विषय में आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक छोटा सा टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपना सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं दोस्तों आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखे होंगे जब भी आप उनका वीडियो देखते हैं तो नीचे स्क्रीन के नीचे आता रहता है सब्सक्राइब का बटन का कुछ सेकंड के लिए वो आता है सब्सक्राइब करता है बेल आइकन को प्रेस करता है और वो गायब हो जाता है आपने कभी सोचा वो कैसे आता है अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं उसी विषय में आपसे बात करने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल पे अपने वीडियो में किस तरीके से सब्सक्राइब बटन को आप बिना कॉपी का फ्री ऑफ कॉस्ट उस साइट का भी नाम बताने वाला हूँ मैं आपको जहाँ से आप बहुत सारे इमेजेस सब्सक्राइब बटन कई सारे वीडियो जिसमें कोई कॉपीराइट नहीं होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले जैसे कि मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना होगा उसके बाद प्लस के निशान पर क्लिक करना होगा फिर सिक्सटीन नाइन क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें गैलरी पर जाके जो हमने क्लिप डाउनलोड किया है उसको सेलेक्ट कर लेना होगा सब्सक्राइब बटन को तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ गैलरी पे आके उसके बाद मैं इसको जो लाइन देख रहे हैं उसको मैं सेंटर पे ले जाऊँगा बीच में इस तरीके से मैं बीच में ले जाता हूँ और बीच में ले जाने के बाद आप देखिए ये जो वाइट पार्ट है वो ऊपर आ चुका है जितना ऊपर उसको जाना था उसके बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके मैं अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट करके सेंटर पे यहां पर यहाँ पर ला लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा बड़ा ना हो कटे ना ठीक है उसके बाद आप देख रहा है ग्रीन चादर से ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट जो आ रहा है इसको हम ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से कट कर लेते हैं और बराबर ले लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये बराबर हो चुका है उसके बाद हमें क्या करना है साइड इन एनिमेशन पे हमें जाना है इन एनिमेशन पे जाके स्लाइड अप पे क्लिक करना है और ओके करना है तो इस तरीके से ये लोगो जो है हमारे एक साथ ऊपर आएगा और इसी तरीके से फिर हमें आउट एनिमेशन में जाकर स्लाइड डाउन करना है जिसके साथ साथ में ही ये नीचे भी जाएगा ठीक है उसके बाद हम लेयर पे क्लिक करेंगे लेयर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम अपना चैनल का नेम लिखेंगे यहाँ पर मेरा चैनल का नाम है बड़ा एडवाइज़र तो मैं बड़ा एडवाइज़र लिख लेता हूँ सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे वाइट वाला आपको दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं उसके बाद टिक कर लेंगे ओके का तो आप देखा ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया ये टिक कर देता हूँ अब आ, मेरा नाम जो है आ चुका अब मैं सिंपली इसको उठा कर यहाँ पर सेंटर में रख लूँगा आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इसको क्योंकि जब सब्सक्राइब होगा ये बटन तो थोड़ा सा लेफ़्ट में और जाता है तो उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कीजिएगा ठीक है तो मैं जैसे कि एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और अब मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूँ और राइट साइड से ट्रिम कर देता हूँ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसका ठीक है बड़ा एडवाइज़र जो हमने बनाया था चलिए तो अब इसी तरीके से इन एनिमेशन में जा स्लाइड आप करेंगे बड़ा एडवाइज़र को भी ठीक है और दोबारा से आउट एनिमेशन में जा स्लाइड डाउन करेंगे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये तैयार हो चुका है अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता था देखिए एक साथ ऊपर आ रहा है सब्सक्राइब कर रहा है बेलाइकन को प्रेस कर रहा है उसके बाद साथ में नीचे चला जाता है और सिंपली हमें देखिए ऊपर टॉप पर क्लिक करना है एरो पे एक्सपोर्ट कर लेना है इसको एक्सपोर्ट करने के बाद ये गैलरी पे जा चुका है अभी अब दोबारा हमें गैलरी पे जाना होगा लेकिन उससे पहले हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं उसके बाद एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी वीडियो जिस पर आपको एक क्लिप लगाना है सब्सक्राइब बटन का फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मान लीजिए मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है ठीक है देख लीजिए उसके बाद मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं कहाँ पर सब्सक्राइब बटन लगाना चाहता हूँ तो उस हिसाब से स्लाइड करके आप आगे पीछे करके जहाँ पर लगाना है वहाँ पर जाइए ठीक है उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक कीजिए यहाँ पर सेंटर में ले आता हूँ पहले मैं देखिए यहाँ पर मुझे लगाना है फिर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कीजिए उसके बाद एक्सपोर्ट जो हुआ है एक्सपोर्ट पर जाके गैलरी में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप उस क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन वाले को देखिए लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे टॉप ऊपर कॉर्नर पे है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एडजस्ट कर ले जहाँ पर भी आपको रखना है इस तरीके से और क्रोमा की का बटन आपको दिख रहा है जो लड़की का है इस पर हमें इनेबल करना है यहाँ पर क्लिक करके ठीक है तो आप देख पा रहे हैं अब जो है बैकग्राउंड ग्रीन चादर जो था पीछे वो हट चुका है और सब्सक्राइब बटन रह गया है तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो देखिए प्ले करने के बाद कुछ इस तरीके से आता है पीछे का बैकग्राउंड हट गया है और सामने सिर्फ सब्सक्राइब बटन आता है तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं तो दोस्तों अब मैं वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ सर्च बार पे जाना है आपको और लिखना है पिक्सा भी पिक्सा बे डॉट कॉम पिक्सा डॉट कॉम सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा तो आप इमेज देख रहे हैं लिखे हुए सर्च बार पे यहाँ पर क्लिक करके वीडियो हमें सेलेक्ट करना है और वीडियो पे सेलेक्ट करने के बाद सर्च कर लेना है तो यहाँ हम सर्च कर लेते हैं सब्सक्राइब बटन उसके बाद सर्च करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सब्सक्राइब बटन आ चुका है सिंपली किसी भी वीडियो पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट का और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट